बहुत मजबूत होता है जी शीशा, बुलेट प्रूफ कांच देखते हैं, इतना मजबूत होता है। अब कितना मजबूत होता है आप समझिए कि गाड़ी जो होती है ना फोर व्हीलर, उसके आगे का विंडशील्ड हटा दीजिएगा तो चला नहीं पाएंगे। कितना हवा को रोका रहता है, हवाई जहाज के आगे का विंडशील्ड जो होता है 900 की स्पीड में हवाई जहाज उड़ती है, और उतना भयानक में वो विंडशील्ड रोक लेता है। कलिए तो एको कोनो जहाज का गेटे खोल दिया, हाँ ताइवान में, हाँ कोई ताइवान में जहाज उतरने वाली थी, रास्ते में दरवाजा खोल दिया, इमरजेंसी गेट होता है एक ठो, उसमें आके एयर होस्टेस बताती है सब कि ये कैसे खुलेगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एयर होस्टेस बताते रहती है सब। तो उसमें तो उसे खोल दिया दरवाजा, उड़ते जहाजिया में ई ना कहो किस्मत अच्छा था कि उतर रही थी, मतलब 1 मिनट बाद उतर गई, वो आ गई थी एकदम नीचे, तो उसका हिम्मत बढ़ गया होगा, अब तो नीचे वे आ गए हैं, खोल दे ससुरा, खोल दिया वहां पे, अब जाएंगे वो जेल आराम से नीचे, ऊपरा खोल दिया रहता और सांसत हो जाता, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, फिर उसको पायलट को जहाज को नीचे ले आना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है किसी पहाड़ी एरिया से गुजर रहा है तो नीचे ही नहीं ला पाएगा, नीचे आएगा तो पहाड़ से लड़ेगा, ऊपर उड़ेगा तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, बड़ी सब दिक्कत होता है, तो ये सब नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े, ये जब जहाज वहाज में नहीं खोलना चाहिए। एक ब्रिटिश एयरबेस था, उसका जहाज उड़ रहा था, उड़ते उड़ते ठीक था, आगे वाला जो विंडशील्ड होता है ना वही उखड़ गया, उखड़ गया, पायलट उछल गया बाहर, बाहर चल गया जी, तले दूसर का पायलट उसको पकड़ लिया पैरवा, और लटक के उड़ा था, लटक के उसको उड़ा था लगभग 300-400 किलोमीटर बाहर, क्योंकि बाहर हवा कम रहता है, पढ़ाए जहाज के अंदर प्रेशर ज्यादा रहता है, जहां कुछ हो सीधे फेंकाएंगे बाहर आप वहां पे, इसीलिए सीट बेल्ट हमेशा लगाया जाता है, पायलट नहीं लगाया था, अरे उसको कॉन्फिडेंस, ऊपर का पता ससुर शीशे उखड़ के फेंका जाएगा, फेंका गया वहां, दूसर का पकड़ लिया उसको, समझ में ही नहीं आ गया, फिर पकड़ लिया दूसर का, फिर एको को बुलाया कौन को कि पकड़ पकड़ हम उतारे न तो हम ये बाहर है हम पकड़े तो चलाएगा कौन। आगे बढ़े, चलिए अब रिलेटिव हम लोग सारी चीजों का देखते चलेंगे।